नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो आजकल हर घर में दिख जाती है, वो है बवासीर। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कभी भी अंग्रेजी दवाओं के सेवन करने से पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती, और इन्हीं बीमारियों में से एक है बवासीर की बीमारी, जिसे अंग्रेजी में हेमरॉइड्स कहा जाता है। इसे पाइल्स या मूल व्याधि के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में इसको खूनी और बादी बवासीर के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर इसे महिषी के नाम से भी जाना जाता है। बवासीर या हेमरॉइड से अधिकतर लोग पीड़ित रहते हैं। बवासीर में होने वाला दर्द असहनीय होता है। बवासीर या हेमरॉइड मल स्थान होने पर होने वाली बीमारी है, जो बेहद दर्दनाक बीमारियों की श्रेणी में आती है, क्योंकि यदि ये रोग किसी को हो जाए तो जल्दी से इससे पीछा नहीं छूटता। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर से मल निकालने के समय परेशानी बनी रहती है। बवासीर मलाशय के आसपास की नसों में सूजन के कारण और इन्फ्लेमेशन होने के कारण होता है। जब गुदा केनाल की नसों में सूजन आ जाती है और सोच करते समय रुकावट पैदा होती है, तो या खून आता है या अत्यधिक दर्द होता है। बवासीर में होने वाला दर्द असहनीय होता है। डॉक्टरों का तो यहाँ तक मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को वर्ष में कई बार बवासीर हो जाए और उसका सही इलाज ना करा हो, तो ये बीमारी मलाशय का कैंसर भी दे सकती है। बवासीर होने के मुख्य कारण, इस बीमारी के होने के मूल कारण अनियमित दिनचर्या, खान पान और कंप्यूटर पे पूरे दिन बैठना। इसके कारण आपको मोटापा, कब्ज, संभोग में अतिरंजित, सोच का दबाना, एक खराब जीवन शैली, अत्यधिक शारीरिक तनाव, गैर शाकाहारी भोजन, शराब, मसालेदार पदार्थों का उपभोग करना और फास्ट फूड और कुछ अन्य कारण भी है। क्या होता है बवासीर में? बवासीर में मरीज को गुदा द्वार में मस्से हो जाते हैं, जिनमें निरंतर खून बहने और अत्यधिक दर्द होने के कारण मरीज काफी कमजोर और दुखी हो जाता है। बवासीर दो तरह की होती है, आंतरिक बवासीर और बाहरी। अंदरूनी बवासीर में नसों की सूजन दिखती नहीं पर महसूस होती है, जबकि बाहरी बवासीर में सूजन गुदा के बिल्कुल बाहर दिखती है। बाहरी बवासीर गुदा के बाहर क्षेत्र में होती है। आंतरिक बवासीर गुदा केनाल के किनारे मौजूद होती है, और आंतरिक बवासीर तीन चरण की होती है। पहले चरण में रोगी को सोज के दौरान बिना दर्द हुए खून बहता है। दूसरे चरण में रोगी को सोज के दौरान बिना दर्द हुए खून बहता है, लेकिन मल आराम से बाहर नहीं आता और इससे मैनुअल में भी या इनेमा से करना पड़ता है। तीसरे चरण में द्रव्यमान को कम नहीं किया जा सकता और न ही बल से कम हो सकता है, और ये खांसी करने, घूमना या बैठने पर भी खून आ जाता है। तो यहाँ हम आपके सामने कुछ घरेलू उपाय प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप खुद पर अमल करें तो ये अंग्रेजी दवाओं के तुलना में तेजी से आराम मिलेगा। पहला है नींबू। दो नींबू ले और इसे पानी में मिलाए, एनिमा के प्रयोग से एनाल के रास्ते से गुदा में ले। 10 से 15 मिनट के अंतराल के बाद थोड़ी इसे दोबारा ले। इसके बाद सोच जाए, ये प्रयोग 4 से 5 दिन में एक बार करें। इसे 3 बार प्रयोग करने से बवासीर में लाभ होता है। हार सिंगार या परिजात। परिजात के 2 ग्राम फूलों को 30 ग्राम पानी में रात को भिगोकर रखें। सुबह फूलों को पानी में मसल कर छान लें और 1 चम्मच खांड मिलाकर खाली पेट खाएं। रोज 1 सप्ताह खाने से बवासीर मिट जाती है। इतना ही नहीं, परिजात के बीजों को छील ले, 10 ग्राम बीज में 3 ग्राम काली मिर्च मिलाकर पीसकर गुदा पर लगाने से बादी बवासीर ठीक हो जाती है। मूली। मूली के 125 ml रस में 100 ग्राम जलेबी को मिलाकर 1 घंटे तक रखें। 1 घंटे के बाद जलेबी को खाकर रस को पी ले। इस क्रिया को 1 सप्ताह तक करने से बवासीर रोग ठीक हो जाता है। अरीठा। अरीठा के छिलके को कूटकर आग पर जलाकर कोयला बना ले। इसके कोयले के बराबर मात्रा में पपर या कत्था मिलाकर चूर्ण बनाकर रखें। लगभग 1 ग्राम का 1/4 भाग की मात्रा में लेकर मलाई या मक्खन में मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम खाने से मस्सों में होने वाली खुजली एवं जोखम नष्ट हो जाता है। या रीठा के छिलके को जलाकर भस्म बना है और 1 ग्राम शहद के साथ चाटने से बवासीर में खून का गिरना बंद हो जाता है। अंजीर। अंजीर को सबसे अधिक कब्ज एवं बवासीर की दवा होने की वजह से जाना जाता है। 2-3 सूखे अंजीर
लेकर रात भर गर्म पानी में भिगो दे और सुबह खाली पेट पी ले। प्रातःकाल उन्हें मसल कर भी खा जाए और उसका पानी पी ले। 2 से 3 सप्ताह तक अंजीर का प्रयोग करने से बवासीर में लाभ होता है और इसके गुण कुछ ही दिनों में तकलीफ दूर करते हैं। जीरा, जीरा बवासीर जैसी बीमारी में रामबाण इलाज है। इसे आप कैसे भी ले सकते हैं। जीरे को भूनकर मिश्री के साथ मिलाकर चूसने से फायदा मिलता है, या आधा चम्मच जीरा पाउडर 1 गिलास पानी के साथ मिक्स करके दिन में कई बार पी सकते हैं। जीरा करीब 2 लीटर छाछ में लेकर 50 ग्राम पिसा हुआ जीरा और थोड़ा काला नमक मिला ले। जब भी प्यास लगे तब पानी की जगह इस छाछ को पिए। 7 दिन तक ये प्रयोग करने से बवासीर के मस्से ठीक हो जाते हैं। तिल, तिल भले ही गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आता हो, लेकिन बवासीर के रोग को कम करने में ये लाभदायक साबित होता है। बवासीर को रोकने के लिए 10 से 12 ग्राम धुले हुए काले तिल को 1 ग्राम मक्खन के साथ मिलाकर लेने से जल्द ही आराम मिलता है। पपीता, पपीता कच्चे पपीते में पाचक रसों में वृद्धि करने की क्षमता होती है। पपीता पेट के रोगों के लिए रामबाण होता है। बवासीर को रोगी को इसका सेवन करने से लाभ होता है। जामुन से बवासीर का इलाज। जामुन की गुठली और आम की गुठली के अंदर का भाग को सुखाकर इसको मिलाकर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण की 1 चम्मच हल्के गर्म पानी या छाछ के साथ सेवन करने से दूसरे चरण में बवासीर में लाभ होता है। इसबगोल, इसबगोल की भूसी को दही के साथ मिलाकर ले। इसबगोल की भूसी का प्रयोग करने से अनियमित और कड़े मल से राहत मिलती है। इससे कुछ हद तक पेट भी साफ रहता है और मसा ज्यादा दर्द नहीं करता। बवासीर पर अरंडी का तेल लगाने से भी फायदा होता है। नीम का तेल मसों पर लगाए और इस तेल की 4 से 5 बूंद रोज पीने से बवासीर में लाभ होता है। इन नुस्खों के अलावा अपने रूटीन और लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करके भी पाइल्स की बीमारी को बचा जा सकता है। जैसे कि हरड़ या बाल हरड़ का प्रतिदिन सेवन करने से आराम मिलता है। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूर, समय पर भोजन जरूर करें, फाइबर युक्त आहार ले। सबसे पहले आप अपने दैनिक आहार में बदलाव लाए। बवासीर से लड़ने में फाइबर युक्त आहार सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि ये पाचन क्रिया को सही करता है और मल के सख्त होने की आशंका को भी कम करता है। फाइबर युक्त आहार में साबुत अनाज, ताजे फल और हरी सब्जियां भी आती है। फलों के ताजा जूस और सब्जियों को सूप का सेवन करें। रात के सोते वक्त कुछ किशमिश पानी में भिगो कर रखे और सुबह उठते ही फूले हुए किशमिश के साथ पानी पी जाए। इससे आपको बवासीर में बड़ा लाभ होगा। छाछ, छाछ काफी हद तक बवासीर में फायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और ये पेट की गर्मी को कम करती है। इसके सेवन से पेट में बनी गैस भी दूर हो जाती है। दही, अगर आपको छाछ ना पसंद है तो दही ले सकते हैं। सादा दही या रायता भी ले सकते हैं। रायते में आप हब मिलाकर खाए, इससे टेस्ट भी बना रहेगा और बवासीर भी ठीक हो जाएगा। दही पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है और पेट में बनी गर्मी को भी काटता है। तो दोस्तों, आपको आज को हमारा ये पाइल्स या बवासीर पे वीडियो कैसा लगा, आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारा ये वीडियो भी आपके दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।